अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास के लिए मेरा ये उर्दू का लेक्चर है। आज का हमारा टॉपिक है मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिना। ठीक है, ये हमारा आज का लेसन है। आज हम इसका सिर्फ खुलासा करेंगे और स्टूडेंट्स आप हेल्पिंग बुक से इसके वर्ड्स मिलेंगे याद करेंगे। ठीक है, इसका मैं शॉर्टकट आपको खुलासा बताती चलूँ। मोहतरमा फ़ातिमा जिना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना से 17 साल छोटी थी। अभी छोटी ही थी कि इनकी वालिदा मोहतरमा का भी इंतकाल हो गया। 8 वर्ष की उम्र में बाप का साहब भी सर से उठ गया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना ने बम्बई में वकालत कर इन दिनों कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना बम्बई में वकालत कर रहे थे। वालदैन के इंतकाल के बाद उन्होंने फ़ातिमा जिना को बम्बई बुला लिया। मोहतरमा फ़ातिमा जिना की तलीम का आगाज़ तो कराची में हुआ। बम्बई पहुँच कर वो कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल हो गई। 1910 में मोहतरमा फ़ातिमा जिना ने मैट्रिक के इम्तहान में इम्तियाजी नंबरों से कामयाबी हासिल की। 1922 में डेंटल सर्जन का इम्तहान आला नंबरों से पास किया। सर्जन पेशे के बाद उन्होंने बम्बई में अपना क्लिनिक खोल लिया। ठीक है, बम्बई में अपना क्लिनिक खोल लिया। इसके बाद है 1929 में जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना की अहलिया रती जिना का इंतकाल हुआ तो उन्होंने तो मोहतरमा फ़ातिमा जिना ने अपने डॉक्टरी के पेशे को खैरबाद कह दिया और कायदे आज़म के पास आ गईं। मोहतरमा फ़ातिमा जिना सियासत के मैदान में कायदे आज़म की साथी थीं। उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने भाई का साथ दिया। मोहतरमा फ़ातिमा जिना आला तलीम याफ्ता नहायत दूर अंदेश और जुरतमंद खातून थी। उन्होंने मुस्लिम खवातीन को बेदार करने और उन्हें एक सियासी प्लेटफॉर्म पर मुतहिद करने में नहायत अहम किरदार अदा किया। अवामी जलसों में भी वो अपने भाई के शाना बशाना रहीं और खवातीन के कौमी सियासी और सामाजिक किरदार के साथ इनके घरेलू किरदार में भी बराह रास्त वाबस्ता रहीं। ठीक है, मोहतरमा फ़ातिमा जिना ने खवातीन को तहरीक पाकिस्तान में रहनुमाई फरहम की और उन्हें अमली सियासत के मैदान में लाने की भी लाने में भी बुनियादी किरदार अदा किया। बेगम मोहम्मद अली, बेगम हारून सलमा तसद्दुक हुसैन, बेगम बशीर अहमद, बेगम शाइस्ता इकरामुल्ला और राना लियाकत अली खान के साथ मोहतरमा फ़ातिमा जिना भी आल इंडिया मुस्लिम लीग की ख़वातीन कमेटी की मेंबर थी। इन्हें ख़वातीन के हलके में भी अपना मकबूलियत और इज़्ज़त हासिल रही। वह ख़वातीन को अमली सियासत में आने के लिए आमादा करती तो उन्हें कौमी मैदान में हर किस्म की कुर्बानी देने की तरगीब दी जाती थी। क्या में पाकिस्तान के बाद भी उनकी कौमी खिदमात में कोई कमी ना आई। उनका यह सिलसिला जारी रहा, बल्कि जब कायदे आज़म की बेपनाह खिदमत की। तलीम नस्वा के लिए भी मोहतरमा फ़ातिमा जिना की खिदमात से इनकार मुमकिन नहीं। उन्होंने अफवाह के प्लेटफॉर्म से भी तलीमी खिदमात का सिलसिला जारी रखा। वो अफवाह के सरपरस्त रहीं। वो अफवाह के अलावा कई और तंजीमों की भी सरपरस्त थीं। क्या मैं पाकिस्तान के फौरन बाद उन्होंने कई मसाइल का सामना किया। मोहतरमा फ़ातिमा जिना अजीम खातून रहनुमा थी। कौमी और मिली खिदमात के हवाले से कौम ने उन्हें मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ का लकब दिया। वो सच्ची और पुरखलूस मुसलमान थीं। आला अंग्रेज़ी तलीम और तरबियत के बावजूद वो इस्लामी तालीमात की सच्ची पैरोकार थीं। ठीक है, आलम इस्लाम का इतिहाद और इस्लाम में इस्लामी फ़िक्र की तवीज इनका ख्वाब था। अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक इस ख्वाब को शर्मिंदा तबीर करने के लिए कोशा नहीं। मोहतरमा फ़ातिमा जिना ने 9 जुलाई 1960 को फात पाई। उन्हें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना के मज़ार के अहाते में सुपुर्दे खाक किया गया। ठीक है, ये आपका है खुलासा। आपने इसका खुलासा करना है और इसके वर्ड्स मीनिंग करने हैं। ये है आपका सिक्स क्लास आज का लेसन। ये आपने अच्छे से याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।